हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ का चैप्टर 11, दैट इज़ सिंपल मशीन्स। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना क्या है, लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। जितने भी मशीन्स हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनके बारे में पढ़ना है, टेक्निक के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से वो काम करती हैं। थिंक अबाउट हाउ मैनी सिंपल मशीन यू यूज़ एवरी डे। तो हम कह नहीं सकते कि हम हर रोज़ कितनी मशीनों का उपयोग करते हैं। हम सुबह आँख खुलने से लेकर सोने तक डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स का उपयोग करते हैं, जो कि हम बता भी नहीं सकते। तो अ मशीन इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू हेल्प अस वर्क फास्टर एंड ईजीली। तो मशीन क्या है? मशीन की डेफिनेशन है कि एक ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हमारा काम बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही आसानी से होता है। इट कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यह क्या करती है? यह फोर्स, जो बल हमारे द्वारा लगाया जाता है, उसकी स्पीड को भी बढ़ा देती है और उसकी डायरेक्शन को भी बदल सकती है। तो इस तरह से मशीन क्या है? एक सिंपल सी डिवाइस है जो हमारे काम को आसान बनाती है। तो सिंपल मशीन्स होती क्या हैं? दीज आर सिंपल टूल्स विच यूज़ जस्ट मस्कुलर एनर्जी। देखो, फोर्स तो हमें ही अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अब आपके घर में मिक्सी है, ठीक है? आप उसमें क्या करते हैं, मिक्सी के अंदर आप कुछ भी सामान पीसना हो तो फटाफट से पीस लेते हैं। अदरवाइज़ आप अगर उसको कूटेंगे किसी उसमें डालकर, बाउल में डालकर, तो इट टेक्स टू मच टाइम और आपकी फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन मशीन में जो आपकी मिक्सी है वो फटाफट से पीस देगी मसाला। तो कहाँ पर बल कम लगा? बल आपको कम कहाँ पे लगा? मिक्सी के ऊपर। देखो, बल तो लगाना पड़ेगा, मिक्सी उतारनी है, उसका स्विच लगाना है, उसमें आपको बाउल, वो जो उसका कंटेनर है वो फिट करना है। देखो, वहाँ बल लग रहा है लेकिन वो बहुत ही नामात्र है और आपका काम मिनटों में हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप गर्म जो भी मसाला है उसको हाथों से कूटते हो तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और जो हाथों की एनर्जी है वो भी ज़्यादा लगेगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सिंपल मशीन वो होती हैं जिसमें एनर्जी तो लगती है लेकिन वह हमारे काम को, जो ये मशीन है वो बहुत आसान बना देती हैं, जैसे लेवर एंड स्क्रू। तो पहले हम लेवर के बारे में पढ़ेंगे। लेवर होता क्या है? अ टेलर कट अ पीस ऑफ क्लॉथ विद अ पेयर ऑफ सीजर। सीजर का मतलब होता है कैंची। अब आप यहाँ देखिए, टेलर कितने आसानी से कपड़े को काट रहा है। अ बोटमैन रोज अ बोट विद एन ओर। ओर होता है चप्पू। तो बोटमैन क्या कर रहा है? बड़ी आसानी से चप्पू चलाकर और क्या कर रहा है, नदी को नदी में आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, ठीक है? तो अ लेबरर मूव्स अ बॉक्स विद द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड मतलब ऐसे तिरछा। तो आप देख सकते हैं, लेबरर को अगर ये तिरछा प्लेन रखा हुआ है तो आसानी हो रही है उसको चढ़ाने में। अगर ये उसको अपने हाथों से चढ़ा कर ले जाता तो आप समझ सकते हो कितना बल लगता और कितनी एनर्जी लगती इसकी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मशीन्स की, टूल्स की सहायता से इनका काम क्या हो गया है, आसान हो गया है। तो बच्चों, नेक्स्ट इज ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन्स। ये सभी किसका एग्जाम्पल है? सिंपल मशीन्स का एग्जाम्पल है। मशीन्स मेक इट ईजियर फॉर अस टू डू वर्क। तो मशीन्स ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है। आप इमेजिन कर सकते हैं, मशीन के बिना हम अपने जीवन, जो जीवन है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वी कांट इमेजिन टू लिव विदाउट मशीन्स। देर आर सिक्स काइंड ऑफ सिंपल मशीन्स। तो बेसिकली यहाँ पर हमारी छः तरह की स्पेशल सिंपल मशीन्स प्रेजेंट हैं। लेट अस स्टडी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। हमें एक एक करके उनको पढ़ना है। तो बच्चों, फर्स्ट है लेवर। अभी लेवर को आप बार बार पढ़ चुके हो, सॉरी लीवर, ये लेवर है जो, लेवर को आप बार बार पढ़ चुके हो। तो लेवर इज़ द फर्स्ट सिंपल मशीन यूज बाई ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर जो ये लेवर है वो सबसे पहले यूज़ की गई मशीन है, दैट इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। अ लेवर इज़ लाइक अ रिजिड रोड फिक्स्ड एट वन पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। द लेवर हेल्प्स टू लिफ्ट और मूव समथिंग विद लेस एफर्ट। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है, उसको कोई बोझ को उठाना है, लोड को उठाना है, तो वो क्या, उसने क्या किया? अगर वो अपने हाथों से इस बोझ को उठाएगा तो बहुत एनर्जी लगेगी। तो उसने एक ट्रिक अपनाई, उसने क्या किया, एक रोड ली, रोड मतलब डंडा, और उसके नीचे एक छोटा पत्थर रख लिया। तो एक तरह से बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर इसको बिल्कुल इस पत्थर के ऊपर रख लिया। यहाँ पर बड़ा पत्थर है, अगर आप इस बड़े पत्थर के बिल्कुल नीचे इस रोड को रखेंगे और यहाँ पर प्रेशर देंगे तो क्या होगा, ये पत्थर मूव करेगा ना। तो इस तरह से यहाँ पर एफर्ट क्या होता है, जो बल दिया जा रहा है, किसके द्वारा, व्यक्ति के द्वारा। और फलक्रम क्या है, ऐसा पॉइंट जिस पर रोड फिक्स्ड हो। तो इस तरह से यह व्यक्ति बहुत ही आसानी से पत्थर को मूव कर देता है, हिला देता है।
तो लेवरेज लाइक रिजिड रोड फिक्स्ड एट वन पॉइंट कॉल्ड फुलक्रम। तो हम कह सकते हैं फुलक्रम जो हमारा है वह एक ऐसा बेस है जिस पर हमारा क्या प्रेजेंट है, रोड, और उस रोड को हम लेवर कह रहे हैं, जो किसी भी चीज़ को हिलाने या फिर ऊपर ले जाने में बहुत ही आसानी से काम करता है। द लेवर हेल्प्स टू लिफ्ट और मूव समथिंग विद लेस एफर्ट। तो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। लेवर हैज़ थ्री पार्ट्स। लेवर के कितने भाग हैं? लेवर के तीन भाग हैं, फुलक्रम, लोड, एफर्ट, जिसे हम सिंबल भी एज अ सिंबल हम लिखते हैं FLE। तो F क्या है? फिक्स्ड पॉइंट वेयर द रोड मूव्स। तो अगर हम ऊपर वाले डायग्राम की बात करें तो ये रोड है, रोड किससे अटैच है? यह फुलक्रम से अटैच है, और इसी पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई, जब प्रेशर यहाँ अप्लाई होगा तो यही यहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा। लोड, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट दैट नीड्स टू बी मूव्ड और क्रस्ट। यह उस ऑब्जेक्ट को बोला गया है जिसको हमें उठाना है। एफर्ट, इट इज़ द फोर्स वी अप्लाई ऑन द लोड टू डू द जॉब। एफर्ट क्या है? जिस पर हमने जो भी बल हम किसी चीज़ पर लगा रहे हैं वो हमारा एफर्ट है। तो बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द फलक्रम, लोड एंड द एफर्ट, लेवर हैज़ बीन क्लासीफाइड इन टू थ्री टाइप्स। तो इसी के बेसिस पर लेवर को डिफरेंट श्रेणियों में क्लासीफाई कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द लोड, भाई किस तरीके का लोड है, कितना बल लग रहा है और कैसी फिक्स्ड पोजिशन है। तो फर्स्ट क्लास लेवर, तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्लास लेवर है, द फुलक्रम इज़ इन द मिडल, लोड एंड एफर्ट आर ऑन द अदर साइड, फॉर एग्जांपल सीसो, सीजर्स, बीम बैलेंस। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये लेवर है, ये जहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट रखा हुआ, ये फुलक्रम है, लेवर किससे अटैच है, फुलक्रम से, इस पॉइंट पर, ठीक है, और लोड एक साइड पर है, एफर्ट हमें यहाँ लगाना पड़ रहा है। तो एक तरह से दो तरफ, एक तरफ लोड है, एक तरफ हमें बल लगाना पड़ रहा है, बीच में क्या प्रेजेंट है, फलक्रम। तो यह सभी किसका उदाहरण है, फर्स्ट क्लास लेवर के। और इसके में आ जाता है सीसो, जो आप देखते हैं ना झूला, एक बच्चा यहाँ बैठा होता है, एक बच्चा यहाँ बैठा होता है, तो ऊपर नीचे बैलेंस बनाते हैं। तो ये झूला, सीजर, कैंची, बीम बैलेंस, ये सभी किस में आ जाते हैं, ये आते हैं फर्स्ट क्लास लेवर में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप इन्हें पढ़ें, बहुत ही आसान है, लेवर, फलक्रम, बस चीज़ों को समझने की कोशिश करें, उन्हें ऑब्जर्व करें, सभी में यह लेवर आपको देखने को मिलेगा। अब आप अपनी जो इमेजिनेशन है उसको दूर दूर तक लेकर जाएं कि कौन कौन से मशीन्स आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उनमें कौन से मतलब लेवर कहाँ है, फुलक्रम कहाँ है। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी रहेगी चैप्टर को समझने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।